अब बच्चा के लिए पौष्टिक खिचड़ी कैसे बनाते हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले सामग्री बहुत फायदा होता है, पहले तो कुछ नहीं पता था, तो दीदी और भैया बताएं जो बच्चे को कैसे खिलाना है और कैसे रखना है। तो फिर मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर थे, तो दीदी और 6 महीना तक उनको मना किए कुछ नहीं देने के लिए। उसके बाद 6 महीना के बाद बोले जे कुछ खिलाने के लिए, तो हम तो उसको हम खाना बना के 2-3 बार जब वो खाता था ना उतने बार हम देते थे। उसके बाद जब खिलाने लगे तो थोड़ा आया तागत, पहले इतना चंचल और इतना अथी नहीं था, अब जब से हम खिलाने लगे हैं खाना टाइम से तब से अच्छा से रहता है और तंदुरुस्त रहता है, दिमाग भी थोड़ा तेज हुआ है और अच्छा से रहता है, बोलता भी है।